लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारा पिक लिस्ट आया हुआ है, तो इस पिक लिस्ट में ये बिन नंबर दिया हुआ है और पिक लिस्ट क्वांटिटी है, तो ये बिन नंबर है हम निकाल रहे हैं जिसका पिकिंग आया हुआ है। निकालो, और यहाँ दो खाली कैरेट रखेंगे जिसमें कि एक रहेगा 0008 में, जो जिसका पिक लिस्ट आया हुआ है वो वाला आर्टिकल ट्रांसफर हो जाएगा 0008 में, और हमें एक ऐसा कैरेट चाहिए जो या तो खाली है, यानी बिन से चाहिए, या तो वो खाली होगा या पार्शियल भरा होगा। तो एक कैरेट ले लेते हैं बिन का, ये अब ये बिन है, ये इसमें इतना पड़ा हुआ है माल, ये कंसोलिडेशन के लिए हमने इस बिन को लिया है, इस कैरेट को लिया है, इसमें जगह है। अगर जो इसमें V02 में ट्रांसफर होना होगा वो इस कैरेट में हम हाथ के हाथ कंसोलिडेट भी कर देंगे। तो अब जैसे एक खाली कैरेट लेंगे जो 0008 का है, आगे से जाके बाहर आके क्या क्या डालेगा वो? टी कोड है ZSDC_PIC31। इसको जैसे डाल के हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइट कोड और पिक लिस्ट का नंबर। साइट कोड डाल दिया और ये पिक लिस्ट का नंबर डाल दिया, इंटर मारेंगे तो बिन वाला बलम खुलेगा, तो फिर पिक लिस्ट बिन आ जाएगा। अब ये पिक लिस्ट बिन है, ये जिस बिन से हम पिकिंग करेंगे उसको स्कैन किया, स्कैन करेगा तो ये स्कैन जब उसको किया तो ये वाला आपका खुल के आ जाएगा पेज। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिस बिन में मुझे कंसोलिडेट करना है उस बिन को ले लिया और उसको स्कैन कर लिया तो ये बिन नंबर आ जाएगा। यहाँ दो चीज किया, सबसे पहले तो जिस बिन से पिक करना था हमें, हमने उस बिन को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जो सीट आई और उस सीट में फिर बिन को हमने स्कैन किया जिसमें कि हमें कंसोलिडेट करना है। तो अब यहाँ आप देखिए ये बिन नंबर ये दिखा रहा है, ये बिन नंबर दिखा रहा है कि इस बिन में क्या होगा, कंसोलिडेट होगा, इस बिन में ये कंसोलिडेट होगा, इस बिन में ये कंसोलिडेट होगा। और ये जो आर्टिकल आप स्कैन करोगे, जैसे ये अभी आर्टिकल स्कैन हुआ है तो ये आपको लोकेशन दिखाएगा कि कहाँ जा रहा है, तो ये 0008 में दिखा रहा है यहाँ, ये कहाँ दिखा रहा है 0008 में, मतलब ये आर्टिकल जाएगा 0008 में, यानी ये पिकिंग है और ये चला जाएगा एक में। तो अभी जैसे स्कैन कर रहा है, स्कैन करो, दूसरा पीस भी स्कैन किया, दूसरा पीस भी दिखा रहा है 0008 में, ये देखिए 0008 में ये स्कैन होता जाएगा, 0008 में जा रहा है, पांच पीस स्कैन हो चुका है, छह पीस, ये देखो ये बिन में जा रहा है, ये बिन में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है बिन में, देखिए ये बिन सेम रहेगा दोनों, तो ये बिन में जो जा रहा है ये हाथ के हाथ क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अभी जो हम अभी के जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें वो कंसोलिडेट नहीं होता है बिन में, लेकिन इस वाला प्रोसेस से जो अभी हम आपको बता रहे हैं इसमें हाथ के हाथ क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। करते जाओ, बिन नहीं, एट है यार, ऊपर दिख रहा अच्छा, हाँ दो ठीक है, नहीं यहाँ देखना है, ये वाला देखना है आपको, ये हाँ यही देखना, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये दिखाता रहेगा, ये भी बिन में है, ये एट में है, एट में है, में सेम आर्टिकल दो बार स्कैन होगा तो वो कोई दिक्कत ना, दो लाइन बिन में, बिन में दो लाइन में आएगा, नहीं आएगा दो लाइन में, नहीं आएगा बिन में, अगर आठ में जाना होगा तो एक लाइन, अगर बिन में जाएगा तो फिर वही आर्टिकल दो लाइन, बिन में एट में दो लाइन ही है, अगर आठ में ही जा रहा बिन में, यहाँ भी दिखाई होगा जो स्कैनिंग हो रहा है, अभी इसमें ये क्या है, अभी ये स्कैनिंग चल रही है, ये हाथ के हाथ कंसोलिडेट हो जाएगा।